इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी करी है। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि एक मामूली सा सफाई कर्मचारी है। इसके और इसके घर वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है, और यही वजह है कि ये मेरे ऊपर बेफजूल के बेकार के इल्जाम लगा रहा है। और जज साहब, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इसके आगे मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? एक सफाई कर्मचारी जिसने समाज की गंदगी साफ करी, आज उससे कहा जा रहा है कि अपनी सफाई में कुछ कहना है। जज साहब, इन्होंने कहा कि हमने इनसे धोखे से शादी करी, इन्हें पता नहीं था कि हम सफाई कर्मी हैं। क्या ये बात इन्हें इतने बड़े पद में नौकरी लगने के बाद, हमसे दो बच्चे होने के बाद पता लगी? इन्होंने हमें, हमारे माँ बाप को भला बुरा कहा, हम बर्दाश्त कर गए, पर आज ये हमें हमारे बच्चों से तक मिलने नहीं दे रही है। हम मानते हैं कि आदमी भी गलत होते हैं, बहुत आदमी गलत होते हैं, क्या हमेशा गलत होते हैं? हम ये भी मानते हैं कि औरत को ही आदमी की तरह जीने का अधिकार है, आजादी का अधिकार है, पर शादी के इतने साल बाद कहने को बहुत कुछ है जज साहब, पर बस इतना ही कहेंगे कि हमने एक सपना देखा था समाज से एक और गंदगी साफ करने का, और वो सपना ये था कि अक्सर लड़की की शादी के बाद ससुराल में उसको बेटी नहीं बहू समझा जाता है, बहू जिसका काम होता है चूल्हा चौका करना, सास ससुर की देखभाल करना, पति की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। हमने उससे कहीं आगे आकर अपनी पत्नी को पढ़ाना चुना, इसमें हमारा लालच था, था हमारा लालच, और लालच ये था कि हम चाहते थे कि अगर हमारे बच्चों की मां पढ़ी लिखी होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा, हमारे साथ समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। पर हम भूल गए साहब, एक बड़ा अधिकारी सफाई कर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलता। जज साहब, हमारे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी पत्नियों के साथ बुरा होने वाला है। अगर आज इसमें कुछ सोचा नहीं गया ना, तो कल पति अपनी पत्नियों को आगे पढ़ाने के लिए सोचेंगे। जज साहब, हम सफाई कर्मचारी हैं, हमें इस बात पर गर्व है। ये भूल गई कि इनकी आगे की पढ़ाई का पैसा वही सफाई कर्मचारी के पैसों से आया था, वो फीस उसी तनख्वाह में से भरी गई थी। पैसे में गंदगी नहीं थी जज साहब, इनके दिल में मैल था, और हम पूरा शहर साफ करते रहे मगर इनके दिल का मैल साफ नहीं कर पाए। शहर की सफाई हम देख लेंगे जज साहब, दिलों के इस मैल की सफाई आपको करनी होगी, ना बहुत सारी औरतें अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगी। जैसा काहे कोई आंसू।